लास्ट चीज़ है प्रोटीन्स की, वो है कि वो प्राइमरी डिराइव्ड है या वो सेकेंडरी डिराइव्ड है। तो प्राइमरी डिराइव्ड का मतलब है कि थोड़े बहुत चेंजेस से कोई उनके स्ट्रक्चर में खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बड़ी प्रोटीन्स जैसे कि हैं, तो वो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं। प्राइमरी प्रोटीन्स में उन्होंने कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स ये वाली, या फिर हीमोग्लोबिन जो कि बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं, वो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी प्रोटीन्स हैं, इसके मतलब है अगर मैं इसको डिफरेंट जगहों से क्लीवेज करूँ, तोड़ूँ, जैसे यहाँ हाइड्रोलिसिस, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, यानी कि पहले यहाँ से तोड़ा, फिर बीच में उसके भी छोटा किया, फिर उससे छोटा किया, तो प्रोग्रेसिव यानी एक दफ़ा छोटा किया फिर उससे छोटा किया, वो पानी ऐड करने से, कैसे कि यहाँ पे जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये टूट जाएगा ना। अब उसके टूटने से क्या होगा कि प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक क्लीवेज से छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और उन सब प्रोटीन्स को, छोटी प्रोटीन जैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स या फिर डाई डाईपेप्टाइड्स, ठीक है, ये सब हैं सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन्स।